आज नगर पालिका की तरफ से कुछ लोग आए और खुद को कर्मचारी बता रहे थे, और उन्होंने आके नगर पालिका हमारा जो एक फुट का ओटा बना हुआ है, जो सीढ़ी है, ओटा नहीं कह सकते उसको, चढ़ने के लिए उसके ऊपर मार्किंग करके चले गए। जब हम लोगों ने पूछा तो बोला हमारे को साहब के ऊपर से आदेश आ रखे हैं। तब सारे व्यापारी इकट्ठे होकर जब हम गए यहाँ तो कोई आदेश नहीं है, और वो बार बार दुकानदार को एक ही चीज़ कह के, साहब हमारे पास हाईकोर्ट का आदेश है। तो हाईकोर्ट का किस तरह का, हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया कि दुकान वाला जो एक जो चढ़ने के लिए जो एक होती है उसको वो तोड़ने के लिए वो कर रहे हैं। तो ये कुछ जो चीज़ें ये समझ में नहीं आ रही। ओटे बने हुए ये किसने बनवा के दिए, कौन से ओटे आपकी दुकानों के आगे? हमारे दुकानों के आगे कोई ओटे ही नहीं, किसी दुकान के आगे कोई ओटे नहीं है। नगर परिषद के द्वारा जो नाली है उस नाली के ऊपर एक चढ़ने के लिए एक सीढ़ी है, उसके अलावा कोई ओटा नहीं है। छोटे बच्चे बुजुर्ग आदमी जो दुकान के अंदर आते हैं, जो दुकान के अंदर प्रवेश करते हैं, एक सीढ़ी है, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके ऊपर निशान लगा के गए। अब उसके ऊपर जहाँ जो मेन जहाँ अतिक्रमण है वो तो इन लोगों को दिखाई नहीं देता है। सिर्फ बोली भाली जनता जो दुकानदार है जो पहले से ही परेशान है उनको परेशान करना। उनको आज ये बाड़मेर शहर के व्यापारी लोग हैं जो इनके जो बाहर पागोठिए बने हुए हैं, जो दो दो फुट पिलंत ऊंची है लोगों के, उसके अंदर पागोठिए दुकान पे चढ़ने के लिए बने हुए हैं, उनके ऊपर अतिक्रमण तोड़ने के लिए आयुक्त ने आदेश किए थे। जबकि वो अतिक्रमण नहीं आता है, अतिक्रमण उसे कहते हैं जो 10 फुट 5 फुट बाहर हो, बिल्डिंग लाइन से बाहर हो, वो अतिक्रमण होते हैं। लेकिन इस नगर परिषद में जहाँ कहीं भी है ऐसा ये अतिक्रमण, तो जो वास्तव में अतिक्रमण होते हैं वो इनको तोड़ने की ताकत नहीं होती है, वो ये तोड़ नहीं पाते, इसलिए व्यापारियों को ये परेशान कर रहे हैं। पहले नोटिस नहीं दिया है इन्होंने, अभी लाइनिंग की है, मार्किंग वहाँ की है, अब आयुक्त यहाँ है नहीं। अभी आरओ को कहा था, आरओ ने कह दिया मैं जब तक आयुक्त नहीं आएगा मैं हम इसको नहीं तोड़ेंगे। छतरी बाहर पड़ी है, जो गलत है जो नगर पालिका गलत कर रही है वो करने नहीं। कुल मिला के एक चीज है, निवेदन अपन नगर पालिका की एक दिक्कत